बच्चों, मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? ओके, देखो भाई, आप शालिनी हुबलीकर के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को तो टॉपर बनना ही है इस एग्जाम में, ठीक है। और आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। तो मुझे कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टैंडर्ड 7 में का ये जो आप लोगों का लेसन है, लेसन नंबर 8 एंड आइडियल रूलर, ओके। तो आज मैं आप लोगों को ये लेसन सिखाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और फोर्थ स्टैंडर्ड में तो आप लोगों ने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाई की हुई ही है ना? तो आप लोगों को तो पता ही है। तो किस तरह के रूलर थे शिवाजी महाराज, तो उनके बारे में आज इस लेसन में बताया गया है, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपको भी इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ओके। तो लेसन नंबर 8 एंड आइडियल रूलर, ओके। तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि जब मैं रीड करूँ तो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए, ओके। सो बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, महाराष्ट्र वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द आदिलशाही, सिद्दी, पुर्तुगीज एंड मुगल पावर्स। अभी देखो, हमारा जब स्वराज जो शिवाजी महाराज ने स्थापन किया है ना, तो उसके पहले महाराष्ट्र किसके कब्जे में था, किसने डोमिनेशन किया हुआ था हमारे महाराष्ट्र के ऊपर? तो अंडरलाइन दिस, ये एग्जाम में जरूर पूछते हैं ये वाला सवाल। एनी हाउ, या तो आंसर इन वन सेंटेंस में पूछेंगे या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, इनको बराबर से अंडरलाइन करके रखो के स्वराज के पहले महाराष्ट्र में कौन राज कर रहा था, तो वो है आदिलशाही, सिद्दी जौहर है उसका नाम, एक्चुअली वो सिद्दी दिया है उन्होंने, देन पुर्तुगीज एंड मुगल पावर्स, ओके। अंडरलाइन किया आप लोगों ने? हाँ, कभी भी मेरे लेसन आप लोग देखोगे ना तो पेंसिल जरूर लेके बैठना हाथ में, और टेक्स्ट बुक भी लेके बैठना, और जो जो भी इंपॉर्टेंट होता है जो मैं अंडरलाइन करने को कहती हूँ वो एग्जाम में आएगा। एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं देती हूँ आप लोगों को, तो वो एग्जाम में आते ही है, ओके। मोस्टली एग्जाम में आते हैं, और बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ मैम, आप जो जो भी इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो आते हैं एग्जाम में। तो भाई, थोड़ा हमारे एक्सपीरियंस का तुम लोग भी फायदा उठाओ ना, पेंसिल लो और अंडरलाइन करो, ओके। शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दीज पावर्स। अभी शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने इन पावर्स के खिलाफ बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, तब कहीं जाके हमें हमारा स्वराज मिला हुआ है। तो ये हम लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में जो शिव छत्रपति जो है उसमें हम लोगों ने सीखा है कि कैसे 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मावड़ों के साथ मिलकर महादेव के मंदिर में कसम खाई थी कि हम लोग स्वराज पा कर ही रहेंगे, फिर कैसे वो लोग छुप छुप के हमले करते थे, कैसे उन लोगों ने ट्रेनिंग किया, कैसे शिवाजी महाराज ने उनको सिखाया तलवारबाजी वगैरह सब कुछ जो उन्होंने सीखा था दादोजी कोंडदेव जी से, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें आप लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में ही सीखी हुई है, ठीक है। तो ही फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, बुरी से बुरी हालातों का भी उन्होंने सामना किया हुआ है। ही फाउंडेड एंड इंडिपेंडेंट एंड सोवरीन स्वराज, और उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट, आजाद ऐसा एक सार्वभौम स्वराज स्थापन किया। ही सेट अप अ सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्वराज। अभी देखो, स्वराज तो हो गया, स्वराज चलाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चाहिए क्या नहीं? एक अकेला राजा चला सकता है क्या स्वराज? नहीं चला सकता। तो अभी जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ था पिछले लेसन्स में कि उन्होंने अपना अष्टमंडल बनाया था, हर एक को एक एक काम सौंपा हुआ था, है क्या नहीं? तो राजा अकेला एक स्वराज नहीं चला सकता है, तो उसके लिए उसके साथ टीम होती है काम करने के लिए। तो वो जो भी वो काम कर रहे थे स्वराज का, वो बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही प्रॉपर सिस्टम से उनका हो रहा था। ही टर्न स्वराज इंटू अ सुराज्य, अ किंगडम दैट सॉर्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। अभी देखो, स्वराज तो उन्होंने हासिल कर लिया, स्वराज, स्व मीन्स माई, राज मेरा राज, महाराष्ट्र हमारा है उसके ऊपर हमारा राज होगा, ठीक है, बाहर के लोगों का उसके ऊपर राज नहीं होगा, तो दैट इज स्वराज। तो स्वराज इंटू सुराज्य, तो उन्होंने उसको टर्न किया सुराज्य में, पहले स्वराज था मेरा राज था, अभी उसको सुराज्य यानी अच्छा राज्य, एक खुशियों से भरा राज्य, ठीक है, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसे सुराज्य में उन्होंने उसका उसको बदल दिया, स्वराज को फिर उन्होंने सुराज्य में टर्न किया, ओके। अ किंगडम दैट सॉट द वेलफेयर ऑफ ऑल, जो जहां पर ऐसा किंगडम जहां पर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है।
महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर विथ हिज कैपेबिलिटी. अभी महाराज ने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से न्यू ऑर्डर्स क्रिएट किए. इन द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज ही हिमसेल्फ हैड टू फेस मेनी ग्रेव डेंजर्स. अभी जब भी स्वराज हासिल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई मारामारी जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़े मारामारी की तो उसमें उनके जान को भी धोखा दिया नहीं. ही हिमसेल्फ हैड टू फेस मेनी ग्रेव डेंजर्स. बहुत सारे खतरनाक खतरों का उन्होंने सामना किया स्वराज हासिल करने के लिए. अगर जरा भी उनसे कुछ चूक हो जाती गलती हो जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी. इवेंट्स लाइक दी मीटिंग विद दी अफजल खान. अभी ये जो है ना सीन अफजल खान जो प्रतापगढ़ के नीचे आया था शिवाजी महाराज से मिलने के लिए है ना, तो उसको कैसे शिवाजी महाराज ने उल्लू बनाया था कि अरे बाबा मुझे तो डर लगता है तुम्हारे यहाँ पर आकर मिलने से, तुम एक काम करो तुम यहीं पे आ जाओ मैं तुम्हें यहीं मिलता हूँ. तो ऐसे नाटक किया शिवाजी महाराज ने क्योंकि उन्हें पता था कि उसके वहां पर जाएंगे तो एक तो वो लोग थे गद्दार लोग ना, वो कुछ भी धोखा दे सकते हैं. तो थोड़ा सा अभी उस अफजल खान से मिलना यानी धोखा तो है ही, लेकिन जब उन्होंने उसको ऐसे लेटर लिखा कि मुझे डर लगता है बाबा तू ही इधर आ जा मैं तेरे लिए सब शामियाना बना के रखता हूँ, मैं तेरे यहाँ पे वेलकम करता हूँ, मैं तुझे मिलूंगा ऐसे करके, तो उसको क्या किया उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं डरता हूँ तुझसे बहुत ज्यादा. एक्चुअली वो डरते नहीं थे लेकिन उसके इलाके में क्यों जाए ना, तो इसके लिए उसे ही अपने इलाके में बुलाने के लिए शिवाजी महाराज ने वो एक्टिंग किया था. फिर जब आखिरकार उसने गद्दारी तो की ना अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज के पीठ में खंजर भोंका ना उसने, तो ये भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग. अगर तुम लोग को ऐसे लगता है ना कि हम लोग को ये पता होना चाहिए सारी बातें, अगर आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं समझ में आई तो मैंने है ना फोर्थ स्टैंडर्ड का शिव छत्रपति पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, तो अफजल खान से जो मीटिंग था तो अफजल खान ने फिर वो शेर के पंजे उसके पेट में डाल के अफजल खान की पूरी हड्डियां बाहर निकाल दी थी उन्होंने. ठीक है, तो इस तरह से अफजल खान को मारना. द सीज ऑफ पन्हाला, पन्हाला में जो उन्होंने तह किया था वहां पे द अटैक ऑन शाइस्ते खान जो था उसकी उंगलियां जो काटी हुई थी तो उसका, ठीक है, शाइस्ते खान पर अटैक किया था तभी. द एस्केप फ्रॉम आगरा, आगरा में जब औरंगजेब ने उन्हें कैद करके रखा था तो कैसे वो लोग पेटी में मिठाई की पेटी में बैठ के भागे थे, बच के भागे थे वहां से, तो वो ऑल इन्वॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क. शिवाजी महाराज इमर्ज्ड सक्सेसफुल इन ऑल दीज इवेंट्स, नो हार्म केम टू हिम. तो ऐसे बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जिसमें शिवाजी महाराज के जान को बहुत ज्यादा धोखा था, हाई रिस्क था. ठीक है, लेकिन इन सब रिस्क में से भी शिवाजी महाराज सही सलामत बाहर आए थे, नो हार्म केम टू हिम, तो और उन्हें कोई भी उससे धोखा नहीं हुआ. वैसे बोलते हैं हम लोग बाल को भी धक्का नहीं लगता है ऐसे. थिंक अबाउट इट, शिवाजी महाराज कुड एस्टैब्लिश स्वराज ड्यू टू हीज लॉयल एंड डेडिकेटेड एसोसिएट्स यानी उसके साथ उनके साथ जो लोग थे उनसे मिले हुए जो थे उनके एसोसिएट्स जो थे मावले थे वो लोग जो सैनिक में काम करते थे जो हर एक उनका काम करते थे. अभी शिवाजी महाराज ने स्वराज अकेले ही हासिल किया है क्या, वो अकेले ही जाके लड़ सकते थे क्या, सब लोग उनसे नहीं लड़ सकते थे, तो उनको उनके काम में हेल्प करने वाले जो उनके एसोसिएट्स थे उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था स्वराज हासिल करना. कलेक्ट प्रोवर्ब फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. तो ऐसे प्रोवर्ब आपको कलेक्ट करने के लिए कहा है उन्होंने. नाउ ओरिजिनल स्किल्स, महाराज इंस्पायर्ड द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज. अभी जो भी उनके यहाँ पर आजू बाजू में जो लोग थे उनसे वो बहुत ही इंस्पायर्ड होते थे जब भी वो स्वराज के लिए काम करते थे. महाराज इंस्पायर्ड द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज. स्वराज का काम करने के लिए उनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनसे वो इंस्पायर्ड होते थे. उन इंस्पायर्ड होना यानी ये होना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोत्साहित होना. ओके, हिज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वॉज अनपैरेलल्ड. अभी उनका जो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो था ना, सब किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपना किंगडम अपने लोगों को, तो वो जो स्किल थी ना उनमें
अनपैरेलल्ड, इसका मतलब अद्वितीय था उन्होंने, बहुत ही अच्छे से वो करते थे। विद दिस स्किल ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वेर ऑल्सो एक्सट्रीमली लॉयल, और उन्हीं के वो स्किल्स के कारण ही उन्होंने अपने पास बहुत ही इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, अभी देखो दरबार में राज में जो भी हो, शिवाजी महाराज की क्या खासियत थी पता है तुम लोगों को? कभी भी वो अपने किंगडम में किसी को भी अगर वो कोई भी औहदा देते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि वो इंसान अमीर है या गरीब है, इंटेलिजेंट है, बेवकूफ़ है, ऐसे नहीं देखते थे। वो है ना उस इंसान की काबिलियत देखते थे, ठीक है, कि ये इंसान को अगर मैं ये काम के लिए रखूँगा तो वो कितना काबिल है, तो ये सोच के वो उसको वो काम देते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने आजू बाजू में उनके लिए उन्होंने होशियार लोगों को उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया हुआ था, जो बहुत ही लॉयल यानी ईमानदार, ईमानदार यानी अगर वक्त पड़ा तो वो जान भी दे देंगे शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए, और कभी वो गद्दारी नहीं करेंगे, ठीक है, गद्दारी नहीं करेंगे यानी हमारे इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ऐसे नहीं करेंगे, भरोसेमंद लोग, ठीक है, भरोसेमंद लोग। दीज क्लोज एसोसिएट्स ऑफ महाराज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स, और ऐसे ये जो इनके ब्रेव बहुत ही ईमानदार ऐसे एसोसिएट्स जो थे वो वक्त आने पर कोई भी खतरा मोल ले सकते थे शिवाजी महाराज के लिए या फिर अपने स्वराज के लिए, अगर जान भी देना पड़े तो वो लोग पीछे हटने वालों में से नहीं थे। देर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस इन दी फाउंडिंग ऑफ दी स्वराज, और इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स है जिन्होंने ईमानदारी से शिवाजी महाराज के साथ लॉयली काम किया हुआ है, तो उसी में के कुछ है। एक है जीवा महाला, तुम लोगों को अगर याद होगा अफजल खान जब आया था प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए, तो जब शिवाजी अफजल खान ने जब शिवाजी महाराज के पीठ में खंजर घोंपा था और जब शिवाजी महाराज ने उसके पेट में शेर के नाखून डाल के उसकी पूरी पेट की आंतड़े ही निकाल दिए थे, ऐसे समय में जैसे ही अफजल खान ने चिल्लाया ना जोर से, तो उसके साथ जो आया था सैयद बंडा, तो सैयद बंडा तुरंत आके शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था, उतने में जो जीवा महाल था उसने आके सैयद बंडा को मार दिया, और सैयद बंडा को मारने की वजह से एक पल भर में ही हुआ है ये सब। वो आया, उसने तलवार उठाई, वो शिवाजी महाराज को मारे, इतने में जीवा महाल ने वो सैयद बंडा को मार दिया, और इतने एक ही पल में शिवाजी महाराज की जान बची थी। इसके लिए शिवाजी महाराज ने कहा था, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो तुम्हें याद होगा तो तुम्हें ये इंसिडेंट भी याद होना चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा था, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, ओके, ये अफजल खान के समय की बात है जब जीवा महाल ने उनकी जान बचाई थी। हाँ देखो दिया है यहाँ पे, ओके, वो किल्ड बड़ा सैयद, ओके, एट अ क्रिटिकल मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विद अफजल खान। हाँ मैंने तो तुम लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अफजल खान के समय में ये हुआ था इंसिडेंट। शिवा खाशिद हु क्रॉस्ड द सीज ऑफ पन्नालगढ़ इन द डिस्गाइज ऑफ शिवाजी महाराज। अभी ये जो शिवा काशिद जो था, मालूम है तुम लोग को, अगर तुम लोग को याद होगा तो पन्नालगढ़ से जब शिवाजी महाराज ने कैद में से भागने का फैसला किया था तो क्या होता, क्या उनको ही देखो उनके किले में उन्हें कैद करके रखा था उन लोगों ने, तो उनको उन्होंने क्या किया, पालखी थी, पालखी में सामने से जो उनके सैनिक थे उनके सामने से ये जो था शिवा खाशिद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो पालखी में बैठ के जाएगा उनके सामने से, तो जब तक वो लोग उन्हें और वो शिवाजी महाराज की जैसा ही दिखता था, उसकी हाइट पर्सनालिटी सब वैसी ही थी सेम टू सेम, और वो पालकी में बैठ के वो सैनिक के सामने से जाएगा मुगल, और शिवाजी महाराज जो थे वो पीछे के बड़े रास्ते से गायब हो जाएंगे, और तब तक इन लोगों को ऐसे लगेगा कि इन लोगों ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है जो सैनिक है उन लोगों को, और उसे पता था कि अगर मैं शिवाजी महाराज बन के पालकी में बैठ के जाऊँगा तो ये लोग मुझे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पता होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज को भागने देने का मौका देने के लिए वो खुद पालकी में बैठा शिवाजी महाराज बन के, और उसे पकड़ भी लिया उन लोगों ने और उसे मार भी डाला, ठीक है, बाद में उन लोगों को पता चला कि ये नकली शिवाजी है, असली शिवाजी तो भाग गया, ठीक है। तो ये बहुत सिवाय अगर मैं कहाँ हिस्ट्री अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है।
बाजी प्रभु देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे को तो आप पहचानते ही हो कि कैसे उन्होंने शिवाजी महाराज को बचाने के लिए दुश्मन लोगों को, मुगल लोगों को रोक के रखा हुआ था। ठीक है, वो ब्लॉक द एडवांसेस ऑफ द एनिमी ऑन द वे टू विशालगढ़। जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ आप जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक मैं यहाँ पर दुश्मन को रोक के रखूंगा। जैसे ही आप विशालगढ़ पहुंचोगे तो आप तोपे की आवाज, शिवाजी महाराज का मैं तोफा की आवाज करूंगा तो तुम समझ जाना कि मैं विशालगढ़ पहुंच गया हूँ और तुम भी फिर आ जाना विशालगढ़ में करके शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा था। लेकिन बाजी प्रभु इतने घायल हो गए थे दुश्मनों को रुकाते रुकाते, लेकिन जब तक उन्होंने तोफ की आवाज नहीं सुनी, जब तक उसे कन्फर्म नहीं हुआ कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ में पहुंच गए हैं, तब तक उसने जान नहीं छोड़ी। जैसे ही उसको तोप की आवाज आई तो तभी उसने जान छोड़ी। फिर मुरारबाजी देशपांडे वो डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ पुरंदर, तानाजी मालुसरे वो सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ व्हाइल कॉन्करिंग सिंहगढ़। तानाजी मालुसरे, देखो तानाजी पिक्चर अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। हीरोजी फरजंद एंड मदारी मेहतर वो रिस्क देयर लाइफ ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम आगरा एटसेट्रा। अभी जब शिवाजी महाराज मिठाई की पेटी में बैठ के आगरा से पहले संभाजी को लेके गए, फिर बाद में शिवाजी महाराज, फिर उनकी जगह पे शिवाजी बन के एक लेटा था और एक वहाँ पे बैठा हुआ था पैर दबाते हुए, मदारी मेहतर और फरजंद, ये दोनों ही बचे हुए थे जेल में। ठीक है, और फिर वो लोग भी, फिर हमें शिवाजी महाराज के लिए दवा लानी है ऐसा कुछ बहाना करके फिर वो लोग भी वहाँ से निकल गए थे। तो उन लोगों ने भी अपने जान को खतरे में डाला था शिवाजी महाराज को वो औरंगजेब के कैद से बाहर निकालने के लिए। वो रिस्क देयर लाइफ ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम आगरा एटसेट्रा। महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हीज एसोसिएट्स, और शिवाजी महाराज भी जो थे वो भी उनका बहुत ही ख्याल रखते थे, उनके जो भी एसोसिएट्स जो थे उनका वो बहुत ख्याल रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, कान्होजी जेधे वॉज एसोसिएटेड विथ महाराज इन द वर्क ऑफ द स्वराज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अंडरलाइन दिस, कान्होजी जेधे जो थे वो जो थे शुरुआत से ही शिवाजी महाराज के साथ थे इस काम में, वेरी बिगनिंग। वेन द एजिंग कान्होजी फेल इल, अभी उम्र की वजह से कान्होजी की तबीयत खराब हो गई, बूढ़े हो गए वो, अभी बीमार पड़ गए, तो महाराज टोल्ड हिम नॉट टू निगलेक्ट हीज मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट ऑन एनी अकाउंट। तो वो पर्सनली ख्याल रखते थे अपने एसोसिएट्स का और वो उन्हें कहते थे कि आप समय पे अपनी दवाई लिया करो, आप आराम करो ऐसा करके, और बिल्कुल ही समझौता मत करना, निगलेक्ट मत करना अपनी दवाइयों को। तो इस तरह से वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। केयरिंग फॉर द रथ, रथ यानी प्रजा, ओके राजा होता है उसकी प्रजा होती है ना, प्रजा है इसके लिए राजा है क्या नहीं, तो वो किस तरह से केयर करते थे अपने प्रजा का, अपने रैत का। ओके, व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द स्वराज महाराज हैड टू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल अगेंस्ट दीज एनिमीज। अभी जब से स्वराज हासिल करने के बावजूद भी उन्हें हमेशा दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। हिज सब्जेक्ट सफर्ड ड्यू टू एनिमी इन्वेजन्स, हमेशा दुश्मन लोग जो होते थे उनके हमले करते थे, आक्रमण करते रहते थे। एट सच टाइम महाराज यूज्ड टू टेक अटमोस्ट केयर टू प्रोटेक्ट द रथ। अभी देखो, राजा में अगर हमारे राजा के ऊपर किसी ने आक्रमण किया, हमला किया, तो नुकसान किसका होता है, मारा कौन जाता है, सफर कौन करता है, तो उस राज की प्रजा जो होती है, वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें तकलीफ होती है क्या नहीं। बाहर से अगर दुश्मन आया, दुश्मनी है उसकी शिवाजी महाराज के साथ, लेकिन वो तकलीफ किसको देगा, उसकी रयत को देगा। ओके, तो इसके लिए शिवाजी महाराज क्या करते थे, अपने प्रजा का बहुत केयर करते थे कि किसी भी हालत में मेरी जो प्रजा है, मेरी जो रयत है, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ शाइस्ते खान्स कैंपेन, जब उन्होंने शाइस्ते खान को मारने का अभियान किया था, तो मालूम है ना तुम लोगों को कैसे वो शादी के बारात के साथ वो लोग गए थे, फिर वो वहाँ वो जो किला था उसके हर एक रास्ता, चोर रास्ते सब शिवाजी महाराज को, उनके सैनिक लोगों को पता थे, तो कैसे वो लोग महल में घुसे थे और फिर कैसे शाइस्ते खान को मारने का ही प्लान था, लेकिन वो बच गया और उसकी उंगलियाँ कट गई थी। तो ये जो कैंपेन किया हुआ था, तभी महाराज वॉन्ट द देशमुख ऑफ द
Rahida Valley not to fail in his duty towards the wrath. जब वो गए थे इस अभियान में, तभी उन्होंने देशमुख को वार्निंग देके गए थे कि किसी भी हालत में अपनी जो रयत है, अपनी जो प्रजा है, उसे कोई भी हार्म या तकलीफ नहीं होनी चाहिए. He told Deshmukh to visit every village and shift people to a safe place down the ghats. घाट होता है ना, घाट के नीचे उतार के उन लोगों को एक सेफ प्लेस में, जो रयत में जो लोग हैं, प्रजा में जो लोग हैं, उन्हें तुम क्या करो, सेफ प्लेस में, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है ना, जला सकते हैं उनका पूरे प्रजा में के घर, जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें सेफ जगह पे शिफ्ट करो. He strictly told him not to delay even for a moment. एक पल का भी डिले मत करना, सबको सेफ जगह पे लेकर जाना. He further warned the Deshmukh that if he did not thus take care of the rayat, the Mughal army would take the people prisoner and then it would be seen as the Deshmukh's doing. अगर देशमुख ने, समझो, प्रजे का केयर नहीं किया, अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गए तो दुश्मन उन्हें क्या करेंगे, कैद करेंगे, और उसे कुछ भी अगर तकलीफ होती है तो महाराज ऐसे बोलेंगे कि देशमुख ने ही ये सब किया हुआ है. महाराज ऑल्सो सॉ टू इट दैट द सोल्जर्स डिड नॉट इन एनी वे कॉज एनी हार्म टू द रेड, और किसी भी कंडीशन में सोल्जर्स के द्वारा भी उनकी प्रजा को कोई भी हार्म, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तो इतना वो केयर करते थे अपने प्रजा के बारे में. पॉलिसी रिगार्डिंग दी आर्मी. अभी एक राजा है, तो राजा है तो राजा के पास आर्मी तो होगी ही, तो आर्मी के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसीज बनाई हुई थी. महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन दी आर्मी. तो महाराज जो थे उन्होंने आर्मी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा हुआ था, बहुत ही कड़क कायदे बनाए हुए थे. He was particular about paying the salaries of the army in time. अभी शिवाजी महाराज जो थे ना, वो अपनी आर्मी को, अपने जो सैनिक थे, उन्हें वो सैलरी देते थे, पगार देते थे, पैसे देते थे, रोकड़ा, ठीक है. तो अभी आएगा शायद आगे. He made arrangement to pay the salaries of soldier in cash. तो वो क्या करते थे, पगार भी, जैसे हम लोग को सैलरी मिलते हैं ना, पैसे मिलते हैं क्या, नहीं पापा काम करते तो उनको पैसे मिलते हैं क्या, नहीं तो वो उन्होंने ऐसे ही सिस्टम रखा था उनके राज में, सैनिक लोगों को वो क्या देते थे, सैलरी देते थे, कैश में पैसे देते थे उनको. इन वेरियस किंगडम्स इन मेडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स. अंडरलाइन दिस, ओके, ये अंडरलाइन करना. कैसे, किसमें पेमेंट करते थे, मेडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर, और भी बहुत जगह पे ऐसे होता था, वो लोग जागीर देते थे सैनिक लोगों को, जगह देते थे. लेकिन शिवाजी महाराज क्या करते थे, वो सब झंझट नहीं, पैसे दो, सैलरी दे दो उनको, महीने महीने में पर्टिकुलर थे उसके बारे में भी, बराबर टाइम पे उन्हें वो सैलरी दे दिया करते थे. महाराज सेट दिस प्रैक्टिस असाइड. अब ये जागीर देने की जो प्रैक्टिस थी ना, वो उन्होंने बाजू में रख दी, बोले कि भाई नहीं, मैं कोई जागीर वागीर नहीं दूंगा, मैं सीधा अपना कैश दे देता हूँ, पगार, ठीक है. देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू द आर्मी दैट एनी वैल्यूएबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द कैंपेन इन एनिमी टेरिटरीज वेयर टू बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. अभी कभी भी जब भी हमले वगैरह होते हैं, किसी भी राज पर जाते हैं, तो वहाँ का जो भी सामान, सोना चांदी मोहरे भेरे जो भी मिलेगा, वो क्या होगा, सरकार में जमा हो जाएगा, ठीक है. नहीं तो अरे हाँ ये चलो हम लोगों ने ये लूटा है, अपने खीसे में डालो, जेब में डालो, लेके भागो, नो, जितना भी लूटा हुआ सामान है वो कहाँ जाएगा, सरकार में जमा हो जाएगा. सोल्जर वेयर हॉनर्ड फॉर देयर ब्रेवरी इन अ कैंपेन. कोई भी उन्होंने अगर बहादुरी का काम किया है तो उन्हें भी वो ऑनर करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे. ही लुक्ड आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल. अभी दुश्मन लोगों के तो हमले होते ही रहते थे, और उन हमलों में बेचारे बहुत से सैनिक भी मारे जाते थे, तो मारे गए हुए सैनिक लोगों की जो का जो परिवार होता था, उनकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, उनके सबका शिवाजी महाराज जो थे बहुत ही ख्याल रखते थे, और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े उसके ऊपर वो ध्यान देते थे. ऐसे नहीं कह रहे हाँ चलो भाई ये मर गया, अभी इसका क्या करने का है, हम लोग को जाने, ऐसे नहीं, उसकी जो फैमिली होती थी उनका वो केयर करते
थे, जो लड़ाई में मारे गए सैनिक है उनके फैमिलीज का भी वो ध्यान रखते थे। ही टुक केयर ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स, वाउंडेड यानी घायल जो सोल्जर्स होते थे तो उनका भी वो बहुत केयर करते थे। ही ट्रीटेड वेल द एनिमी सोल्जर्स हु हैड सरेंडर्ड देमसेल्व्स और हु हैड बीन कैप्चर्ड। और अपने सोल्जर्स का तो केयर वो करते ही थे, उसके अलावा जो दुश्मन लोगों के जो एनिमीज सोल्जर्स यानी दुश्मन लोगों के भी जो सैनिक होते थे कुछ सरेंडर करते थे। अगर कोई लड़ाई में वगैरह कोई शत्रु जो है तो वो सरेंडर करता है ना, कह रहे नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं कबूल करता हूँ, मैं तैयार हूँ आप लोगों के साथ आने के लिए, ऐसे सरेंडर करना। या फिर वो सरेंडर देमसेल्व्स, जो अपने आप को हवाले कर देते हैं वो एक, और हु हैड बीन कैप्चर्ड या फिर जिन्हें पकड़ा गया है, ओके उन लोगों को भी शिवाजी महाराज जो थे अच्छे से ही ट्रीट करते थे। अदरवाइज अगर ऐसा कोई दुश्मन लोगों का सैनिक अगर एक किसी राजा को मिल जाता है तो उसको कितना टॉर्चर करते हैं वो लोग, कितना हैराश करते हैं वो लोग, तो शिवाजी महाराज जो थे वो ऐसे नहीं करते थे, उन लोगों के साथ भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। डू यू नो इफ वॉर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोविंग ग्रोविंग रीपिंग ऑफ क्रॉप्स देयर वुड बी नो लिमिट टू द लॉस ऑफ फार्मर्स। अभी क्या है, लड़ाई तो है ना, वो तो कोई मुहूर्त देख के तो कोई करता नहीं है, दुश्मन आएगा हमला करेगा, अगर खेत में अनाज का सोविंग हुआ है या ग्रोविंग हुआ है या रीपिंग हुआ है, अनाज पूरी तरह से पक गया है, ऐसे में अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो किसका सबसे ज्यादा नुकसान होता था, फार्मर लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होता था। नॉट ओनली वुड द मूवमेंट्स ऑफ द आर्मी इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ सोविंग बट द सोल्जर्स वुड कट ऑफ एंड टेक अवे स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ और वुड डिस्ट्रॉय देम। अभी अनाज अगर सोविंग किया हुआ है तभी या फिर कोई दुश्मन बाहर से आ गया, समझो अगर अनाज पूरा उगा हुआ है तो या तो वो लोग काट के लेकर जाते थे उसको, या फिर वो जो फसल आई हुई रहती थी उसको पूरा तहस नहस कर देते थे। दे वुड रॉब दी हाउसेस ऑफ फार्मर्स, और जो फार्मर्स होते थे उनके घरों में भी वो लोग लूटपाट करते थे। तो अभी फार्मर के घर में अनाज की गोनी भी नहीं होगी तो वो भी सब उठा के लेके जाते थे जो भी होता था वो। शिवाजी महाराज हैड ऑर्डर्ड द ऑफिसर्स टू प्रोहिबिट हिज सोल्जर्स फ्रॉम सच एक्शंस। तो शिवाजी महाराज ने तुरंत ऑर्डर दिया उनके ऑफिसर्स को कि सोल्जर लोगों का ये जो बिहेवियर है इसके ऊपर क्या किया जाए, एक्शंस लिए जाए। द लेटर रिटर्न बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674 CE टू हीज मिलिट्री ऑफिसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो इसी रिगार्ड में, इसी मामले में उन्होंने अपने सोल्जर को जो थे ऑफिसर्स थे उन्होंने उन्हें लेटर लिखा हुआ था। इट शोज हाउ माइन्यूटली शिवाजी महाराज थॉट अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्मी। तो इस तरह से कितने बारीकी से शिवाजी महाराज जो थे उनके आर्मी के डिसिप्लिन को ऊपर उनका बहुत ही बारीकी से ध्यान हुआ करता था। अभी देखो, अभी तो है ना तुम लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, पता नहीं, तो कोई किसी भी दुनिया के कोने में रहेगा तो हम लोग बात कर सकते हैं उनसे, फेस देख के बात कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में कैसे होता था, कहीं पर भी जाना होता था तो घोड़े पे बैठ के जाओ या फिर पैदल चल के जाओ, और मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था उस जमाने में। लेकिन क्या होते थे, गुप्तचर होते थे, जासूस होते थे, तो हर बात की जो खबर होती थी ना जासूस उन तक पहुंचाते थे, तो उन्हें हर एक बात का पता चलता था। और जासूस ऐसे घूमते रहेंगे ना, चाहे वो उनका किला हो, दुश्मन लोगों के इसमें हो, हर जगह में जासूस हुआ करते, जासूस होते ही थे जो हर एक बात का इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचाते थे, और वो हिसाब से फिर वहां से वो मैसेज उन लोगों को देते थे। ठीक है, इफ यू हैरेश एंड ट्रबल दी सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर ग्रेन्स फॉडर ग्रास वेजिटेबल्स एटसेट्रा दोज सब्जेक्ट्स वुड लीव देयर हाउसेस एंड माइग्रेट एल्सवेयर। मैंने अच्छा उन्होंने क्या लिखा लेटर में, इफ यू हैराश एंड ट्रबल दी सब्जेक्ट्स, अभी लोग रयत जो है अगर उन्हें तुम लोगों ने हैराश किया, तकलीफ दिया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, हैराश करना यानी टॉर्चर करना, ट्रबल क्रिएट किया उन लोगों के लिए, ओके सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, अगर ये अपने कास्ट के नहीं ये दूसरे कास्ट के है, यही सोच अगर तुम लोगों ने उन्हें तकलीफ दी
बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर ग्रेन्स, और लूटपाट की उनके अनाज का, उनके फॉडर का, उनके ग्रास वेजिटेबल्स एटसेट्रा, कुछ भी है अगर तुमने वो रॉब किया, उसको लूटा, दो सब्जेक्ट्स वुड लीव देयर हाउसेस, तो ये लोग अपने घर छोड़ देंगे एंड माइग्रेट एल्सवेयर, अपना घर बार सब गांव भी सब छोड़ के माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह पे, माइग्रेट करना है ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहना, ठीक है, तो उसे कहते हैं माइग्रेट। जैसे तुम लोगों ने सुना हो ना, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ठंडी के मौसम में, वो गर्म जगह पे जाते हैं ऐसा, तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। अगर तुम्हें तकलीफ देगा कोई भी बहुत ज़्यादा, तो फिर रहेंगे नहीं ना। जैसे कोविड आया तो लोगों ने माइग्रेट किया ना, जो यहाँ पे रहते थे वो लोग कहाँ चले गए, सब गाँव में चले गए लोग, मतलब यहाँ पे क्यों मरे भाई, हम लोग गाँव में हमारे फैमिली के साथ। तो ऐसे यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, बहुत से लोग शहर गाँव सब छोड़ छाड़ के दूसरी जगह पे भी जाके सेटल हो गए, उसे कहते हैं माइग्रेट। मेनी ऑफ देम वुड स्टार्व टू डेथ, कुछ लोग भूखे प्यासे होने के कारण उनकी डेथ भी हो जाएगी। इट वुड बी एज इफ यू आर मोर एट्रोशियस देन दी मुगल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अपने सैनिकों की वजह से अपने रैत के लोगों को तकलीफ होगी, तो तुम्हारी जो ये बिहेवियर है ना, तो ये क्या है, मुगल लोगों से भी बहुत ज़्यादा क्रूएल, एट्रोशियस का मतलब होता है क्रूएल, तो तुम लोग उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा क्रूएल हो अगर तुम्हारी वजह से ये सब होता है, तो देयर वुड बी ग्रेट अप्रोर, और फिर बहुत ज़्यादा कोलाहल हो जाएगा, अप्रोर यानी कोलाहल होना, तो बोलते ना वो सब घमासान मच जाना ऐसे। अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, महाराज हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज द आदिल शाह, द मुगल्स एंड द सिद्दीज, अभी इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स थे, तकलीफें जो थी उनसे, उनका सामना उन्हें हमेशा करना पड़ा, किन लोगों का, आदिल शाह मुगल और सिद्दीज का, दे वेर इस्लामिक पावर्स, कौन से पावर्स थे ये, इस्लामिक पावर थे, अंडरलाइन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा, ठीक है, तो इस्लामिक पावर थे। व्हाइल महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट देम He considered the Muslims in the Swaraj as his own subject. तो जब भी वो इन तकलीफ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि ये जो हमारे स्वराज में की जो मुस्लिम्स है वो हमारे सब्जेक्ट्स है। At the time of the meeting with Afzal Khan, Siddi Ibrahim was a trusted servant in his army. अभी ऐसे देखा जाए तो जो मेन एनिमी जो थे शिवाजी महाराज के, वो मुस्लिम थे, ओके, आदिल शाह मुगल सिद्दी ये कौन थे, मुस्लिम थे, इस्लामिक थे वो लोग, ठीक है, हाँ बराबर। तो लेकिन उनके जो सैनिक में उनके बहुत ही ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग भी थे जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, तो उनके ही बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द मीटिंग विद अफजल खान सिद्दी इब्राहिम वॉज अ ट्रस्टेड सर्वेंट टू हिज आर्मी, तो अफजल खान का जो सिद्दी इब्राहिम था वो ट्रस्टेड सर्वेंट था उनकी आर्मी में का। सिद्दी हिलाल वॉज अ सरदार इन द आर्मी ऑफ महाराज, सिद्दी हिलाल जो था वो क्या था, उनके आर्मी का सरदार था। तो कहने का मतलब क्या है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। दौलत खान वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ द स्वराज, अभी जो दौलत खान था ये अंडरलाइन करो तुम लोग पूरा, और ये जो था दौलत खान उनके नेवी का वो ऑफिसर था, इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, वो भी ऐसा ही नहीं। तो इस तरह से देखो, जब अफजल खान आया था तभी सिद्दी इब्राहिम उनका ट्रस्टेड सर्वेंट था उनकी आर्मी में का, ओके, और सिद्दी हिलाल जो था वो सरदार था आर्मी का, इनका शिवाजी महाराज के आर्मी में का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और फिर दौलत खान जो था उनका इम्पोर्टेंट ऑफिसर था नेवी का, नेवी यानी पानी के जो आर्मर वगैरह थे उसमें का वो इम्पोर्टेंट सरदार था, समंदर के द्वारा जो लड़ाइयाँ होती है तो नेवी बोलते हैं ना उनको, वो प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने बाउंड्रीज को वो। महाराज फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, तो महाराज जो थे वो हमेशा टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो करते थे। इन द एनिमी टेरिटरीज दैट ही कॉन्कर्ड ही कंटिन्यूड द फैसिलिटीज दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो इन द एनिमी टेरिटरीज, वो भी दुश्मनों के अगर इलाके में भी कभी वो गए होंगे, अभी लड़ाई करते हैं तो फिर जाना पड़ता है ना, अपने अगर जगह किसी ने छीनी है, क्योंकि हमारा जो महाराष्ट्र था वो उनका था ही नहीं, ये लोग आए थे बाहर से
और बाहर से आके अगर हमारी जगह पे तुम लोग कब्जा करोगे तो उसे हासिल करने के लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही, है क्या नहीं। तो इसी तरह से अगर एनिमीज के टेरिटरीज में भी अगर शिवाजी महाराज कभी जाते थे तभी भी वो उनके धर्म को, उनकी जो वर्शिप जो होती थी, वर्शिप जगह होते थे उनके, तो उन्हें वो कभी भी हार्म नहीं करते थे। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है देखो, इन द एनिमी टेरिटरीज दैट ही कॉन्कर्ड, अभी जो भी दुश्मनों का जो इलाका होता था जो वो जीतते थे शिवाजी महाराज, ही कंटिन्यूड द फैसिलिटीज विथ दैट हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो उन्होंने उनका जो लाइफ स्टाइल होता था उसको उन्होंने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया, उनको उन्होंने सारी उन्हें जो भी जरूरत होती है फैसिलिटीज की वो उन्होंने उन्हें प्रोवाइड की। ही कंटेम्पररी हिस्टोरियन खाफी खान राइट्स अबाउट द टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ महाराज। हिज कंटेम्पररी हिस्टोरियन, उनका जो एक हिस्टोरियन था उसने लिखा हुआ है शिवाजी महाराज के, कौन था वो, खाफी खान ने क्या लिखा हुआ है शिवाजी महाराज की टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी ऑफ महाराज, उसमें उसने लिखा है शिवाजी हैड फ्रेम्ड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर हिज सोल्जर्स दैट ड्यूरिंग द कैंपियंस दे शुड नॉट हार्म अ मॉस्क। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपने सोल्जर लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया हुआ था कि कभी भी मॉस्क यानी जो मस्जिद होता है उसे तुम लोग कभी भी हार्म नहीं करोगे। इफ दे केम इन पोजिशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द होली कुरान दे शुड हैंड ओवर द सेम विथ रेवरेंस टू अ मुस्लिम। अगर समझो ऐसे लड़ाइयों में कभी कुरान शरीफ तुम्हारे हाथ में लगा, वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम लोगों का, तो उसे तुम बहुत ही रिस्पेक्ट से किसी मुस्लिम के हाथ में हैंड ओवर करोगे, ओके और उसका ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए, उस होली बुक का अपमान नहीं होना चाहिए। द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम द एफर्ट्स दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश द स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू। अभी स्वराज की स्थापना करने के लिए शिवाजी महाराज ने कितने एफर्ट किए थे, है ना, तो इसका एक स्पेशल वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। अभी उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट लिया ना, तभी हम लोगों को फ्रीडम मिला है क्या नहीं। ही एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरीन एग्जिस्टेंस दैट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर। अभी एक स्वराज एस्टैब्लिश किया उन्होंने तो उसके पीछे क्या था, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सार्वभौम, सोवरीन यानी सार्वभौम, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, एग्जिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर। और हमारे स्वराज में हम किसी दूसरे पावर का डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाइल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स महाराज इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉर फ्रीडम। जब भी वो किसी फॉरेन पावर के साथ फाइट करते थे तो जो दूसरे लोग होते थे ना उन लोगों को भी वो इंस्पायर करते थे फ्रीडम के लिए, तुम लोग भी अपने आजादी के लिए लड़ो फॉरेन पावर के खिलाफ, ऐसे वो उन्हें भी इंस्पायर करते थे। व्हेन छत्रसाल हु वाज इन द सर्विस ऑफ द मुगल्स केम टू सी महाराज, महाराज इंस्पायर्ड हिम टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन बुंदेलखंड। एक बार ये जो छत्रसाल जो था वो शिवाजी महाराज, वो मुगल लोगों के यहाँ पे काम करता था, सर्विस करता था, और वो आया था शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। तभी उसको शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम क्यों इनके सर्वेंट बन के काम कर रहे हो, है क्या नहीं, तुम एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बनाओ, खुद राजा बनो उस किंगडम के, कहाँ पर, बुंदेलखंड में, ठीक है। तो कभी भी ये भी मेरा भी भाई यही कहना होता है कि नॉर्मली मैं जब देखती हूँ ना, अभी बच्चों के भी मुँह से मैं सुनती हूँ तो बहुत से बच्चे जो होते हैं उन लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बहुत पढ़ूंगा लिखूंगा फिर मुझे इधर जॉब मिलेगा, मुझे इतने बड़े कंपनी में जॉब मिलेगा। भाई मेरा ये मानना है कि क्यों तुम लोग हमेशा जॉब करने के बारे में सोचते हो, तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते कि तुम ऐसे कुछ बनाओगे कि तुम्हारे अंडर हजारों लाखों लोग काम करें, ठीक है। तो ऐसी मेंटालिटी रखो, हमेशा ऐसा विचार रखो, खुद कुछ बनने का सोचो हमेशा, किसी के हाथ के नीचे काम करने से। मैं हमेशा ऐसे सलाह देती हूँ कि तुम खुद कुछ बनो, अपने आप को प्रूव करो, साबित करो, और आप
हजारों लाखों लोगों को काम दो, ये मेरा मानना होता है हमेशा। ठीक है, एक मैंने शेयर किया जो मेरी बात थी वो, ठीक है। अदरवाइज आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, आपकी मर्जी। नाउ ग्रेटनेस ऑफ महाराजास वर्क, महाराज वर्क। महाराज एस्टैब्लिश्ड स्वराज व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट मेनी एनिमीज। अभी स्वराज ऐसे ही मिला है कि हम लोग को, हाँ अरे बेटा क्या है, स्वराज चाहिए तुम्हें? जैसे मम्मी तुम्हें बोलते हैं बेटा ले चॉकलेट चाहिए तुम्हें, ऐसे मिला है क्या स्वराज हम लोगों को? नहीं। तो बहुत सारे दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ा है शिवाजी महाराज को। दिस एक्शन इटसेल्फ प्रूव्स दैट ही वॉज अ पायोनियर ऑफ अ न्यू इरा। तो ये जो एक्शन था उनका, तो वो क्या प्रूव करता है? पायोनियर ऑफ न्यू इरा यानी शुरुआत, न्यू डाली उन्होंने, न्यू इरा की न्यू डाली। बट बिसाइड्स दिस एक्शन मैनी अदर नोबल क्वालिटीज आर फाउंड इन हीज पर्सनैलिटी। इसके अलावा भी बहुत और भी नोबल क्वालिटीज, बहुत अच्छी क्वालिटीज उनकी पर्सनैलिटी में हमें दिखाई देती है। महाराज वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, है ना। इतनी छोटी उम्र में जब उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली तो एक इंटेलिजेंट आदमी ही कर सकता है ना। ही हैड मास्टर्ड मेनी आर्ट्स, बहुत से आर्ट्स में वो मास्टर थे। ही वॉज कन्वर्सेंट विथ मैनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, उन्हें बहुत सारे लैंग्वेजों के बारे में जानकारी थी और स्क्रिप्ट्स के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। द टीचिंग ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड एथिक्स वेयर डीपली इंस्टिल्ड इन हीज माइंड। तो हम लोगों ने जब शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में देखा था तो किस तरह से उनके पेरेंट्स, उनके माँ जीजाबाई एंड उनके पिताजी शाहजी राजे जो थे, उन्होंने किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दिया था, किस तरह से उनकी माता जो थी उन बचपन से ही उन्हें वो कहती आई थी कि शिवाजी तुम्हें स्वराज हासिल करना है, उसे राम का कृष्ण का एक एक बहादुरी की हर एक कहानी वो सुनाती थी बचपन से ही। तो इसके न्यू भी थे वो बचपन में ही, उनकी जो टीचिंग ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड एथिक्स वेयर डीपली इंस्टिल्ड। तो एक कल्चर होता है, एक कल्चर किस तरह से सिस्टमेटिकली रहना चाहिए, एथिक्स के बारे में भी उन्हें बचपन से ही सारी ट्रेनिंग दी गई थी, तो उनके वो दिमाग में ना पूरा पक्का बैठा हुआ था। देयर वॉज अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ। तो देयर वॉज अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रेंथ यानी वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे, तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, मिश्र बोलते ना, मिक्स ऐसे बोलते ना, अरे वो तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है भाई, एक दो क्वालिटीज़ है उसमें, इतने सारे मल्टी टैलेंटेड है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग वैसे। तो उनमें कौन सी क्वालिटीज़ थे? तो देर वॉज अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रेंथ, उनका शील जो था और उनका जो स्ट्रेंथ जो था वो उसका मिश्रण था, नोबिलिटी एंड वेलर। अभी शील जो होता है वो, और बहुत ही वो बहादुर थे, ओके। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? बहुत ही बहादुर, एकदम नोबल थे वो, और उनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, ठीक है। ही हैड इन्यूमरेबल क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, अभी उनमें इन्यूमरेबल अनगिनत क्वालिटीज थी उनमें, जैसे कि लीडरशिप, लीडरशिप जो होती है ना, हर एक इसमें लीड करना, पीछे पीछे नहीं रहते हैं, लीड करते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी पूरा किस तरह से बराबर से सब चल रहा है क्या, नहीं व्यवस्थापन, जो भी व्यवस्थाएं है बराबर चल रही है क्या नहीं वो। फिर फोरसाइट, फोरसाइट यानी दूरदृष्टि, दृष्टिपणा, अगर आज हम लोग ये करेंगे तो फ्यूचर में जाके इसका हमें क्या फायदा होगा, ये आगे का सोचने की दृष्टि, ठीक है। देन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का मतलब होता है राजनीतिक कूटनीति बोलो, या फिर राजनीतिक होशियारी बोलो, मुत्सद्देगिरी यानी चलाक होना चाहिए ना, अगर आप किसी भी राज को चलाते हैं तो ऐसे लल्लू पंजू की तरह नहीं चलेगा ना, तो बहुत ही ये होना चाहिए, एकदम मुत्सद्देगिरी बोलते हैं उसको मराठी में, तो वैसे होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली पूरा राज चलाने आना चाहिए, तो वो डिप्लोमेसी उनमें थी। इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें क्या था, इफेक्टिव पॉलिसी अबाउट रीजनल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो भी उनके सैनिक थे
उसके बारे में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, ओके। और रीजनल यानि मुल्की, जो वहाँ पे जो उनका मुल्क है उसके बारे में, और उनके आर्मी के बारे में भी वो बहुत ही उनके फॉर्म ऐसे विचार थे, ओके। कमिटमेंट टू ट्रूथ एंड जस्टिस, सच्चाई और न्याय देने के लिए वो कमिटेड थे, झूठ ऐसे नहीं, सच्चाई से न्याय देने के लिए। एटीट्यूड ऑफ इक्वालिटी, कभी भी उन्होंने किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया, उनके नज़र में सारे पहले इंसान थे और हर एक को वो इंसानों की तरह बिहेव करते थे हर एक के साथ, ये तो हम लोगों ने अभी सिखाई है। विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज, तो जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को, भविष्य में हम लोग किस तरह से और तरक्की करेंगे उसके बारे में पहले से ही सोचना, विजुअलाइज करना, ठीक है। द स्किल ऑफ सीइंग हिज प्लान्ड वेंचर्स थ्रू राइजिंग ओवर द कैलामिटीज विदाउट गिविंग अप, अलर्टनेस, विजिलेंस एंड सो ऑन। जीवन में कितनी भी कैलामिटीज क्यों ना आ जाए, मुसीबत बोलते हैं ना, संकट, कितने भी संकट क्यों ना आए, तो वो उनका सामना करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते थे, ओके। इसी तरह के बहुत से क्वालिटीज थे उनमें, उनकी पर्सनालिटी में, ठीक है। ही यूज टू पनिश दोज सिवियरली हु वुड मिसबिहेव विद विमेन, वो है ना, स्त्रियों का बहुत आदर करते थे, ठीक है। हर स्त्री मेरी माता है, ऐसे वो बोलते थे हमेशा, और बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे औरतों को। अगर कभी भी किसी भी औरत के साथ किसी ने भी मिसबिहेव किया तो वो उसे पनिश करते थे। ही यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी लाइक फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एटसेट्रा। ही यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शन, ऐसे नहीं है कि जो उनके दरबार के लोग हैं खाली उनका ही वो केयर करेंगे, औरतों का ही केयर करेंगे, तो ऐसे नहीं थे वो। वो और भी जो सेक्शंस थे उनका भी वो बहुत ही केयर करते थे, उनके सोसाइटी में जो और सेक्शंस थे, जैसे कि फार्मर्स, शेतकरी, क्राफ्ट्समैन यानी जो कारीगर होते हैं वो, सोल्जर्स, सैनिक, ट्रेडर्स यानी व्यापारी लोग, मर्चेंट्स, ओके, एटसेट्रा, इन लोगों का भी वो बहुत ही केयर करते थे। ही यूज टू हार्बर द सेम रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजियन दैट ही हैड फॉर पीपल ऑफ हिज ओन रिलीजियन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अभी उनका स्वभाव कैसा था मालूम है, सर्वधर्म समभाव, ऐसा स्वभाव था उनका। वो सिर्फ अपने धर्म के ही लोगों, जिस तरह से अपने धर्म के लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से दूसरे धर्म के लोगों के बारे में भी किसी भी तरह का भेदभाव उनके मन में कभी भी नहीं रहता था। सेम रिस्पेक्ट दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी, जैसे अपने धर्म के लोगों के लिए रिस्पेक्ट रहता था, उसी तरह से दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी उनके मन में हमेशा रिस्पेक्ट रहता था, तो उसमें वो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। ही इवन एस्टैब्लिश्ड फैमिली बॉन्ड विद देम, एक पारिवारिक रिश्ता, नाता जो होता है, उन्होंने वक्त पड़ने पर वो उनसे फैमिली बॉन्ड बना के रखते थे। ही ब्रॉट बैक इन टू स्वधर्मा देयर ओरिजिनल रिलीजियन पर्सन्स हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजियन दो वेयर वॉज एन अपोजिशन टू सच अ रिकन्वर्जन एट दैट टाइम। अभी देखो, ही ब्रॉट बैक इन टू स्वधर्मा, अभी कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपना धर्म चेंज करते हैं, ओके। जो हिंदू होते हैं वो लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं, मुस्लिम होते हैं वो हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, या क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करते हैं। तो ऐसे अगर कोई करता है, अगर ही ब्रॉट बैक इन टू स्वधर्मा देयर ओरिजिनल रिलीजन पर्सन हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन दो देयर वॉज एन अपोजिशन टू सच अ रिकन्वर्जन एट दैट टाइम। अगर किसी ने ऐसे धर्म बदला हो, ठीक है, और बाद में उसको ऐसा लगे कि अरे नहीं नहीं मुझे मेरे धर्म में ही रहना चाहिए, मुझे दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो शिवाजी महाराज उसे उस फिर से उस धर्म में आने के लिए उसको सपोर्ट करते थे, ओके। और उस जमाने में क्या होता था मालूम है, हाँ, इसने अभी धर्म चेंज करके गया ना वो उस धर्म में, अभी उसको यहाँ पे नहीं लेने का, तो उसके बहुत ही अगेंस्ट रहते थे लोग, बहुत ही अपोज करते थे। इसके लिए ऐसे इसमें शिवाजी महाराज उन लोगों को स्वधर्म में आने के लिए परमिशन देते थे, और एक अपना खुद एक रिश्ता उनसे वो जोड़ के रखते थे,
ताकि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम न हो इसके लिए. एट दैट टाइम देर वॉज अपोजिशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड टू क्रॉसिंग द सीज. हाँ, अभी उसी समय में क्या होता था, समंदर जो होते हैं ना, समंदर को क्रॉस करने के लिए भी परमिशन नहीं होता था. ओके, किड्स ग्राउंड पे, रिलीजियस ग्राउंड के, धर्म के नाम पर. एट ही बिल्ड सी फोर्ट्स लाइक सिंधुदुर्ग एंड क्रिएटेड अ नेवी. और तभी शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग जैसा एक जलदुर्ग, बोलते पानी में, एक फोर्ट उन्होंने बनाया और वहां पर उन्होंने नेवी तैयार की. दिस मीन्स दैट ही हैड मेड प्रिपेरेशन फॉर काउंटरिंग फॉरेन इन्वेजन्स दैट केम फ्रॉम द सी. अभी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि समंदर के रास्ते से ये जो दुश्मन जो हमले करते थे, ओके, ये जो परप्रांतीय लोग जो थे वो हम लोगों के ऊपर हमले करते थे, तो इसी का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला. कैसे निकाला, सिंधुदुर्ग किला जो था उन्होंने समंदर के ऊपर बांधा और वहां पर अपना नेवी उन्होंने खड़ा कर दिया. ठीक है, क्योंकि समंदर से रास्ते से भी आते थे ना दुश्मन हमला करने के लिए. ही बिकेम द रूलर ऑफ स्वराज ऑफिशियली थ्रू हीज कोरोनेशन. ही लेटर ही हैड सेकेंड कोरोनेशन फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव. शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक किया था तभी वो ऑफिशियली हमारे महाराष्ट्र के राजा बने थे. ठीक है, अभी वो राजा क्यों बने थे, अगर स्वराज हासिल करने के बाद अगर ऐसे ही छोड़ देंगे महाराष्ट्र को, अगर कोई राजा ही नहीं होगा तो और लोग आएंगे हमले करने के लिए, है ना. अगर वहां पर राजा है, कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, ऐसे पता चलता है तो दुश्मन लोग एक बार सोचते हैं कि अरे कौन है वहां पे महाराष्ट्र में, ओ शिवाजी महाराज है, अच्छा अच्छा, तो जरा कैसे सोचेंगे वो लोग कि जाना चाहिए कि नहीं जाना. तो इसके लिए राजा होना वहां पर बहुत ही जरूरी था. इसके लिए स्वराज के बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करा के लिया था. ओके, तो एक तो उन्होंने ऐसे ही ऑफिशियली एक राज्याभिषेक कराया था, उसके बाद में उन्होंने फिर से रिलीजियसली रिलीजियस पर्सपेक्टिव के थ्रू भी उन्होंने अपना राज्याभिषेक बना किया था. ठीक है, वो फिर जैसे हर नदी का पानी बिनी, वो सब मूवी तो मेरे देखते रहेंगे ना तुम लोग, तो उसमें तुम लोग को सब देखने को मिलेगा. सीरियल्स में भी तुम लोग देखते रहेंगे राजा बनता है तो कैसे करते हैं करके, पूजा बीजा करके, कैसे ताज पहनाते हैं, वो सब. ऑल दीज एक्शन शो हिज रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन. तो इससे हम लोगों को क्या दिखाई देता है, उनमें की एक धार्मिक वृत्ति जो है अपने रिलीजियस के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो वो हमें इसमें से दिखाई देती है. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ रिलीजियन. रिवॉल्यूशनरी, जैसे एक रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट उनका जो है रिलीजियन के फील्ड में हमें दिखाई देता है. व्हेन देयर वेर थ्रेट्स ऑफ स्वराज ही वुड फेस देम विथ और विदाउट हिज एसोसिएट्स. अभी जब भी कभी स्वराज के ऊपर जानलेवा ऐसे हमले वगैरह होते थे, थ्रेट्स होते थे, तभी वो ऐसा नहीं है कह रहे मेरे सैनिक आएंगे लड़ेंगे ऐसा करके बैठते थे क्या, वो नहीं, एसोसिएट्स हो चाहे वो नहीं हो, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा रेडी रहते थे उन लोगों से फाइट करने के लिए. ड्यू टू दिस इवन हिज एसोसिएट्स वेर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर स्वराज. और यही कारण था कि उनके जो एसोसिएट जो थे वो लोग भी हमेशा तैयार रहते थे सब कुछ लुटाने के लिए अपने स्वराज के लिए. देखो भाई, राजा बहादुर तो प्रजा बहादुर है ना, अगर राजा डरपोक होगा तो प्रजा भी डरपोक होगी. तो उन्हें पता था कि शिवाजी महाराज जो थे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में वो डरने वालों में से नहीं थे, तो उनके ही जैसे उनके एसोसिएट्स भी थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे स्वराज का रक्षा करेंगे, चाहे हमें इसके लिए जान देनी पड़े, कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े. ऑफ कोर्स हिज ग्रेटनेस वॉज नॉट कन्फाइंड टू द क्वालिटी ऑफ फेसिंग कैलामिटीज ब्रेवली एंड फियरलेसली. ऑफ कोर्स उनका जो ग्रेटनेस था महाराज का, तो सिर्फ उनका इतना ही नहीं था कि कभी भी कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, बड़ी मुसीबत आए तो उसे मैं फियरलेसली, बहुत ही ब्रेवली में उनका सामना करूंगा, इसमें उनको कोई भी ऐसे बड़प्पन नहीं लगता था. ही वॉन्टेड टू हैव एन एथिकल क्वालिटेटिव बेस टू दी स्वराज. तो उन्हें क्या चाहिए था,
उन्हें उनके स्वराज में एक नैतिकता चाहिए होती थी, एक गुणवत्ता, एक क्वालिटेटिव आधार, उन्हें बेस उन्हें देना था उनके स्वराज को. दैट इज व्हाई ही वुड गिव ऑर्डर्स इवन रिगार्डिंग माइनर इश्यूज अलोंग विद द इम्पोर्टेंट वंस. तो इसके लिए ही हर एक छोटी छोटी बात पर भी वो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर्स देता ना दिखाई देते थे. यानी उनका इतना बारीक ध्यान होता था हर एक बात के ऊपर. द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर्स फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ द पीजेंट्स बाय फोर्स इज एग्जेम्पलरी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. अभी ये जो सोल्जर लोग हैं, लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि फार्मर के फार्म में से जबरदस्ती से कोई भी सब्जी वगैरह लेके नहीं जाने का. ठीक है, देखो, द ऑर्डर दैट प्रोहिबिटेड सोल्जर्स फ्रॉम टेकिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ द पीजेंट्स बाय फोर्स इज एग्जेम्पलरी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. तो कितना उन्होंने ध्यान रखा हुआ था कि उनको उतना भी अधिकार नहीं है. अगर मैं तो सोल्जर हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं लेके जाऊँगा, मैं देखता हूँ कौन रोकेगा, ऐसे दादागिरी करते हैं ना बहुत से लोग. तो ऐसे करने का भी उन्हें अलाउड नहीं था. द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज एनफोर्स्ड बाय हिम आर ऑल्सो नोटवर्दी. और एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेड़ को है ना, पेड़ों को भी तोड़ने के ऊपर उन्होंने बंधन बांधे हुए थे. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. देखो, तभी से उन्हें अवेयरनेस था कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. ठीक है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे. और है ना, एक अभी ये टॉपिक आया है तो मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे भी ऑर्डर दिया था, इनकेस समझो एक पेड़ मजबूरी में काटना पड़ने वाला ही है तो एक पेड़ की जगह पे तुम लोगों को 5 पेड़ लगाने पड़ेंगे. ठीक है, दूसरी जगह पे अगर तुम्हें एक पेड़ काटना पड़ रहा है तो उसकी जगह पे तुम्हें 5 पेड़ लगाने पड़ेंगे. और सिर्फ पेड़ लगाने नहीं है, उसका केयर करके उसको पूरा बड़ा भी करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक बच्चे को बड़ा करेंगे उसी तरह से वो पूरे 5 पेड़ों को बड़ा करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान पे होगी जिसने एक पेड़ काटा हुआ था. अभी ये मुझे पता था इसके लिए मैंने तुम लोग को बताया. ओके, थिंक अबाउट इट, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ग्रो ट्रीज. अभी ये बताने वाली तो कोई बात है ही नहीं मेरे ख्याल से, है ना. तुम लोग को तो पता ही होगा ना कि पेड़ों को क्यों ग्रो करना चाहिए, काटना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है. वो लोग अपने एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ओके, और नेचर को बैलेंस उनकी वजह से होता है, जमीन की मिट्टी को वो जकड़ के रखते हैं. बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं. पेड़ जितना ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ, अभी बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है तो हर एक इंसान 5-5 पेड़ लगाओ. मैं तो बोलती हूँ, मैं तो बहुत लगाती हूँ पेड़, मेरे पास तो देखोगे तुम लोग तो गार्डन ही है मेरा. ठीक है, तो मैं बहुत लगाती हूँ पेड़. और मैं जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो उगते हैं जामुन के वगैरह, तो जो हमारे यहाँ से लोग विलेज जाते हैं ना, उन लोगों की जगह बहुत बड़ी बड़ी होती है विलेज में, तो मैं उन लोगों को देती हूँ, वहाँ पे लगाते हैं वो लोग पेड़. और तुमको पता है वो पेड़ को उन लोगों ने मेरा नाम भी दिया है, शालिनी. ये पेड़ किसका है? शालिनी. हाँ, तुम लोग जो भी पेड़ लगाओ ना उसको नाम देना, हाँ, एक अपना नाम देना या किसी अपने ऐसे कुछ तो भी नाम दो उनका. ठीक है, ही हैड ऑर्डर्ड दैट द गार्बेज ऑन द फोर्ट should be burnt in an allotted space without dumping it everywhere and vegetables should be grown on its ash. अभी उन्होंने क्या ऑर्डर दिया हुआ था कि ये जो गार्बेज होता है, जो फोर्ट का जो गार्बेज होता है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी तुम लोगों को फेंकना नहीं है, उसे एक जगह पे लेके जाना है, उसको जलाना है. ओके, allotted space without dumping it elsewhere and vegetables should be grown on its ash. और उसी की राख में तुम्हें सब्जी भी उगानी है. It becomes clear from this fact that he would pay close attention to the minutest details while establishing स्वराज. तो बहुत ही बारीक सरीक बातों के ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता था. तो ऐसे ही उन्होंने स्वराज नहीं खड़ा किया है क्या? नहीं, वो इतने अलर्ट रहते थे इसके लिए सब लोग सही से रहते थे. बोले ना, जैसा राजा वैसी प्रजा. ओके, ही वॉज नॉट जस्ट अ वॉरियर बट ऑल्सो अ स्कल्प्टर
who created a new independent, ethical and cultured society. His greatness is comprehensive. तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, ओके? तो वो एक योद्धा नहीं थे, but also a sculptor. Sculptor यानी नीतिमत्ता वाले, who created a new, जिन्होंने क्या क्रिएट किया, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, एथिकल, एथिकल यानी नीतिमत्ता, एथिक्स यार समझो ना तुम लोग, एथिकल नीतिमत्ता, एंड कल्चर्ड सोसाइटी, सुसंस्कृत सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया. ठीक है, मैं राजा हूँ, मैं वॉरियर हूँ, ऐसा नहीं था. हर एक बात में उनका पूरा ध्यान होता था, अपनी रयत के बारे में, अपने सैनिकों लोगों के बारे में, जाति धर्म के बारे में, रिस्पेक्टफुल. तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें थी जिसे वो बहुत ही बारीक तरीके से उनका उन बातों पर ध्यान होता था. हिज ग्रेटनेस इज कॉम्प्रेहेंसिव. तो उनका जो ग्रेटनेस है वो कैसा है, कॉम्प्रेहेंसिव है, ओके, सर्वांगीण होते ना, बहुत ही ऐसे टैलेंटेड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जैसे बोलते हैं, जैसे सर्वगुण संपन्न हम लोग बोलते हैं ना, वैसा उनका ग्रेटनेस था. ठीक, कैन यू टेल हाउ इज द वेस्ट इन यूअर एरिया मैनेज्ड. अभी आप लोगों की सोसाइटी में बोलो, आपके सराउंडिंग में जो कचरा होता है उसे तुम लोग कैसे मैनेज करते हो. स्टेट द नेम ऑफ द मशीनरी दैट लुक्स आफ्टर वेस्ट मैनेजमेंट. वो जो वेस्ट होता है ना उसको मैनेजमेंट करने वाली मशीनरी, इसके नाम तुम लोगों को बताने के लिए उन्होंने कहा है. तो जाओ गूगल पे सर्च करो, आगे देखते हैं. अभी इन आवर नेशनल मूवमेंट महाराज वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. अभी शिवाजी महाराज के बाद जब अपना आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो हमारा जो राष्ट्रीय चळवळ शुरू हुआ था उस समय में महाराज वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तभी शिवाजी महाराज जो थे वो एक बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्थान थे, ओके, इंस्पिरेशन थे. इन दिस स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी महात्मा ज्योतिराव फुले डिस्क्राइब्ड इन हिज पोवाड़ास द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज. तो महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने उनकी पोवाड़ास में शिवाजी महाराज के ग्रेटनेस के बारे में गाया है. लोकमान्य तिलक ब्रॉट अबाउट नेशनल अवेकनिंग थ्रू द मीडियम ऑफ शिव जयंती सेलिब्रेशन. लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने नेशनल अवेकनिंग, लोगों को जागरूक करने के लिए शिवाजी शिव जयंती सेलिब्रेशन के थ्रू लोगों में जागरूकता लाई. शिव जयंती सेलिब्रेशन के थ्रू लोकमान्य तिलक जी ने लोगों में जागरूकता लाई. अंडरलाइन करना है ये पॉइंट्स. लाला लाजपत राय हैज रिटन. अभी यहाँ पर देखो हम लोगों को पोवाड़ा भी दिया है उन्होंने. महात्मा ज्योतिराव फुले कंपोज पोवाड़ा इन 1869 सी ऑन शिवाजी महाराज, अ पार्ट ऑफ इट इज गिवन हियर. तो उसमें का एक पार्ट इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है. तो मैं देखती हूँ स्टार्टिंग के दो ही लाइन में आपको गा के बताती हूँ. शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्र्याचा मेळा मावळ्याचा शिकार खेळला, ऐसे ही गाते हो. ठीक है, माते पायी ठेवी डोई गर्व नाही काडीचा, आशीर्वाद घेई आईचा, आशीर्वाद घेई आईचा. एक्चुअली पोवाड़ा देखो बहुत अलग होता है, ओके, बहुत ही वो जोश से भरा ऐसे होता है वो. ठीक है, वो मैं इतने जोश में नहीं, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सर्दी हो गई है मुझे, जोश कहाँ से आएगा मुझ में. ठीक है, तो ऐसे पोवाड़ा वो गाते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, तो हंसना मत भाई तुम लोग. ठीक है, आला बला घेई आवड़ता हो तो जीजाचा, पवाड़ा गातो शिवाजीचा. कुलवाड़ी मीन्स आई थिंक ग्रुप होगा वो. भूषण पवाड़ा गातो भोसल्याचा, छत्रपति शिवाजीचा. ओके, हाँ, तो अभी लाला लाजपत राय हैज रिटन अ बुक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ महाराज. अंडरलाइन दिस, लाला लाजपत राय जी ने महाराज के ग्रेटनेस के बारे में किताब लिखा हुआ है. ओके, द ग्रेट तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती हैज रिटन अ पोएम अबाउट एन इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक्स टू हिज एसोसिएट्स. तो ग्रेट पोएट सुब्रमण्यम भारती जो थे उन्होंने शिवाजी महाराज अपने
अपने इमेजिनरी इंसिडेंट इन विच शिवाजी महाराज टॉक्स टू हिज एसोसिएट्स, ऐसे उन्होंने इमेजिन किया कि शिवाजी महाराज अपने एसोसिएट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो इस टाइप की उन्होंने कविता बनाई हुई है। अंडरलाइन दिस। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन अ लॉन्ग पोएम ऑन महाराज। रविंद्रनाथ टैगोर जी को तो कौन नहीं पहचानता है ना, तो उन्होंने भी एक बड़ी कविता लिखी हुई थी महाराज के ऊपर। टैगोर सीज हिज एफर्ट्स टू फाउंड स्वराज एज एफर्ट्स फॉर रियलाइजिंग अ नोबल कॉज। महाराज ने स्वराज स्थापन करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए हुए है ना, तो उसके उसके प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रियलाइजेशन है कि उन्हें कितना एफर्ट लिया होगा इस नोबल कॉज के लिए। सर जदुनाथ सरकार हैज प्रेज्ड हिज अचीवमेंट्स इन हिज बुक शिवाजी एंड हिज टाइम। और सर जदुनाथ सरकार जो थे, उन्होंने भी अपना किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स किए थे उसके बारे में उनका गौरव किया हुआ है इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड दैट महाराज डिड नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र अलोन, ही बिलोंग टू दी होल इंडियन नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि शिवाजी महाराज जो थे वो सिर्फ महाराष्ट्र के ही बिलोंग नहीं थे, सिर्फ महाराष्ट्र के ही बिलोंग नहीं थे, तो सारे राष्ट्र के ही वो थे, सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं तो सारे राष्ट्र के थे। He was a symbol for many virtues, more specially of love of country. तो वो एक शिवाजी महाराज जो थे वो एक प्रेरणा थे, ठीक है, एक आदर्श थे किसके, स्पेशली ऑफ लव ऑफ कंट्री, देश प्रेम के एक वो आदर्श थे। सिंबल ऑफ वर्च्यूज यानी उनके जो सद्गुण थे उसके भी वो एक सिंबल थे, प्रतीक थे। ऑल इंडियन लैंग्वेजेस हैव वर्क्स दैट टॉक अबाउट हिम एज एन आइडियल रूलर एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सारे इंडियन लैंग्वेजेस ने लैंग्वेजेस में शिवाजी महाराज को वो एक आइडियल रूलर, वो कैसे उन्हें मानते हैं एक आइडियल रूलर, रूलर एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं किन्हें, शिवाजी महाराज को। फ्यूचर जनरेशन टू विल कंटिन्यू टू लुक अपॉन हिज वर्क ऑफ शिवाजी महाराज ऑफ फाउंडिंग दी स्वराज एंड टर्निंग इट इंटू सुराज्य एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज एन आइडियल। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट नेशनल हीरो। अभी फ्यूचर जनरेशन में भी नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी शिवाजी महाराज जी का ये स्वराज जो उन्होंने टर्न किया है सुराज्य में, तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा बना रहेगा एज एन आइडल। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट नेशनल हीरो। ऑफकोर्स शिवाजी महाराज एक बहुत ही थोर राष्ट्र पुरुष थे। ओके तो देखो अभी ये जो शिवाजी महाराज जी का ये लेसन जो है हमारा हो गया है कंप्लीट। इफ यू वांट तो हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे सॉल्व। ओके और ये जो है ना आपको ऐसे राइटिंग में भी शिवाजी महाराज के बारे में अगर आता है तो ऐसे राइटिंग में भी आप लोग शिवाजी महाराज के बारे में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेसन, क्योंकि कंप्लीट इसमें पूरी जानकारी मिलेगी, मिली है आप लोगों को इस लेसन में। ओके तो अच्छा लगा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो तो एक लाइक जरूर देना, फ्री है मेरा चैनल तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो। ओके कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछिए कमेंट में, कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए। ठीक है तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।